बहुत कंपोज चल रहा है, काम चल रहा है, सिचुएशन को बहुत समझदारी से हैंडल कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ ये उनका व्यक्तित्व नहीं हो सकता है। ये सब कुछ उन्हीं लोगों ने कहा है जिनके व्यक्तित्व का कोई एक गलत पहलू बाहर निकला है, तो उनको लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया, इन्होंने अब तक कुछ गलत क्यों नहीं किया है। तो दैट इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ एनी वंस पर्सनैलिटी। मेरी पर्सनैलिटी अगर कुछ होती ही नहीं तो लोगों तक पहुँचती ही नहीं। लेकिन लोगों ने कहा है कि मैं पीस मेकर हूँ, लोगों ने कहा है कि मैं बहुत ही आई एम लाइक अ टाइग्रेस, मेरे जो टास्क हैं मुझे नहीं लगता कि लड़कियों में किसी ने इतने अच्छे तरीके से टास्क परफॉर्म किए होंगे जितने मैं लड़कों के साथ मेरी टक्कर होती थी, लड़कियों के साथ नहीं होती थी। सो जहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाना, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी इंटीग्रिटी दिखाता है कि आप अग्रेशन और स्ट्रेंथ कहाँ पर दिखाते हो। बेवजह कहीं पे बस चिल्लम चिल्ली करके अग्रेशन दिखाने में मेरा विश्वास नहीं है, और इफ़ दैट मेक्स मी अ वीक पर्सन, आई गेस आई एम प्राउड टू बी वन। मुझे लगता है जोड़ी ब्रेक होना उर्वशी के लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वो लड़की पिस चुकी थी लॉयल्टी दिखाने में और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू दीपक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अलग है, तो मुझे लगता है ये जोड़ियों का टूटना उर्वशी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। और उसका डायनामिक और कैसे बदलेगा, आई डोंट नो, लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। सोलो है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे बात आ गई फेवरिज्म की, तो अगर ऐसा कोई टास्क है जिसमें सबा और सोमी और कोई और खेल रहा है, और अगर फेवर करना है तो बाकी हैं तो बहनें ही ना एक दूसरे को फेवर, भले सोलो सोलो खेलें लेकिन फेवर तो कर सकती है ना। मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग टास्क समुद्री लुटेले, तो ठीक है फाइन हो गया, लेकिन उसके बाद जो वॉल्केनो लावा बॉल्स वाला जो टास्क था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन उसमें हुआ यूँ कि हमने ये डिसाइड कर दिया था कि हम सब मिलके करण के लिए, केवी के लिए खेलेंगे। अगर आपको याद है तो उस टास्क में भी केवी के साथ एक लड़की बची थी और वो थी मैं, क्योंकि सृष्टि निकल गई थी, दीपिका निकल गई थी, श्री खेल नहीं पा रहे थे, तो मैं एंड तक टिकी थी केवी के साथ। मैं दीपिका से इतना प्यार करती हूँ कि शायद मैं उसकी ये साइड समझ ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि केयरिंग तो मैं भी थी, दवाइयाँ मैं भी देती थी, नाश्ते और खाना तो मैं भी बनाती थी, लेकिन मुझे क्यों नहीं टारगेट किया गया, सिर्फ दीपिका को क्यों टारगेट किया गया। बींग द पीस मेकर दैट आई एम, मैंने कैट फाइट होने नहीं दी, मैंने कैट फाइट होने से पहले ही उस चीज़ को रोकना चाहा। आई थिंक मेरी गलती वो थी, मेरा था कि भाई भिड़ लो, एक दूसरे की जान ले लो, फिर मैं संचालिका की भूमिका निभाऊंगी। मुझे ये करना चाहिए था जो शायद मैं नहीं कर पाई। लेकिन मुझे लगता है कि आई हैव टू बी मोर केयरफुल विद द पीपल दैट आई ट्रस्ट, एंड थोड़े गेम जिंदगी में खेलने चाहिए कभी कभी। हाँ, लोग अपने एक्सपीरियंस लेके बिग बॉस में आके गेम खेलते हैं, मैं एक बिग बॉस में आके एक्सपीरियंस लेके अब जिंदगी में खेल खेलूंगी। हाँ, एक्चुअली वाइल्ड कार्ड मैं हो सकती हूँ, सुन रहे हैं आप लोग, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूँगी। लेकिन अग्रेशन दिखाना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस चीज़ में मैं थोड़ी सी पहले दो वीक्स में कम पड़ गई, जैसे आप कह रहे थे कि मेरे को धीरे धीरे अब वो समझ में आ रहा था, और इसीलिए मुझे लगता है कि इट वॉज टू प्रीमेच्योर फॉर देम टू टेक मी आउट। आप लोग एज फ्रेंड्स आए हो, आप लोग एज लवर्स आए हो, आप लोग एज कमिटेड कपल आए हो, एज वॉट आए हो, तो उन्होंने जसलीन ने नहीं, हाँ ओके, तो मैंने उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दिया कि मे बी शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल टू टॉक अबाउट इट, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि आप एज वॉट आए हो, दैट्स फेयर टू आस्क। क्या बोलूँ मैं यार, मुझे इतना बुरा लग रहा है दीपिका के लिए। मतलब कभी कभी मुझे दीपिका पे गुस्सा आता था कि यार तू कितना सपोर्ट कर रही है यार, कितना बेबी सिट कर रही है, कितना क्यों तुम लोग डरते हो स्पेड टू कॉल स्पेड अ स्पेड। आई थिंक आई एम द ओनली वन इन द हाउस जिसने श्री के बारे में कुछ कहा है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज मुझे ये नहीं यार। श्योर, आपने इंडिया के लिए खेला है, आप एक अमेजिंग प्लेयर हो, आपकी एक उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी रही है, लेकिन आप एक क्लीन स्लेट लेकर आते हो बिग बॉस के घर में, तो वहाँ पे अगर आप वीक दिख रहे हो तो आप वीक दिख रहे हो, लेकिन कोई ये हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है बोलने की कि कोई अच्छा, सब लोगों को तकलीफ़ है। जब मुझे याद है मैंने अनूप जी से बात की थी, जब मैंने ये डिसीजन बोला था, मैंने बोला कि भाई ऐसा कुछ क्या गलत बोल दिया मैंने, तो मैंने बोला अनूप जी मैंने कुछ गलत, नहीं नहीं आपने तो बिल्कुल सही कहा, हमको खुद डर लगता है उनके से कुछ। तो जब आपको कोने में एक एक करके सब अगर ये बोल सकते हैं, तुम लोगों को इतना मज़ा आता है एक दूसरे को टारगेट करने में, कभी श्री को क्यों नहीं टारगेट किया, ये नहीं समझ में आता मेरे। मैं चाहती हूँ कि मैं आई रियली रियली वॉन्ट टू गो इनसाइड एज अ वाइल्ड कार्ड। मैं नहीं जानती अपॉर्चुनिटी मुझे फिर से मिलेगी नहीं मिलेगी, बट इफ़ गिवन आई वुड लव टू गो फॉर इट। एंड मैं अपने फैंस से कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने, मेरा जो एक थोड़ा सा
रूप है, थोड़ा झल्ली, थोड़ी पागल, थोड़ी इनोसेंट, थोड़ी एब्सेंट माइंडेड, थोड़ी जो भी है, इस सब चीज़ को आपने बहुत एक पॉजिटिव तरीके से मुझे प्यार दिया, तो थैंक यू वेरी मच। एंड ऐसे ही प्यार करते रहें एंड प्लीज़ प्रे, थोड़ा ट्विटर पे थोड़ा हल्ला मचाओ कि वी वांट नेहा बैक, ताकि ये सही लोगों के कानों पर पहुँचे और मुझे फिर से ये अपॉर्चुनिटी मिले।